जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जानलेवा हमला हुआ है। पूर्व पीएम को भरी भीड़ में गोली मारी गई है। गोली शिंजो आबे के सीने और गर्दन पर लगी है, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जापान के प्रधानमंत्री के मुताबिक डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए हमले को लेकर उनके दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे प्रिय दोस्त, शिंजो आबे पर हुए हमले से दुखी हूँ। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके, उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। शिंजो पर हुए हमले को लेकर बताया जा रहा है कि उन्हें पीछे से गोली मारी गई। शिंजो आबे को दो गोलियां लगी हैं, एक गले में, दूसरी सीने में। दो गोलियां लगने से उनका काफ़ी शरीर से खून निकल चुका है, जिससे डॉक्टरों ने हालत चिंताजनक बताई है। घटना जापान के नारा शहर में हुई है। हमले के वक्त शिंजो आबे भाषण दे रहे थे। अचानक से गोली लगने से शिंजो आबे नीचे गिर गए। उनके शरीर का खून काफ़ी तेजी से निकल रहा था। शिंजो आबे पर अचानक हुए इस हमले के बाद वहाँ मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने वहाँ गोली चलने की आवाज़ जैसी सुनी। फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हमले के बाद कुछ वीडियोज़ भी अब सामने आए हैं, जिसमें वहाँ भगदड़ की स्थिति साफ देखी जा रही है। शिंजो पर हुए हमले पर पीएम के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हमले पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। आबे ने भारत जापान संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके ठीक होने की दुआ करता हूँ। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। जापान की मीडिया के मुताबिक गोली चलाने वाले यामागमी तेत्सुआ को पकड़ लिया गया है। हमला पूर्व नौसैनिक ने किया है, जिसने कुछ दूरी से शिंजो पर दो गोलियां चलाईं। दोनों गोलियां शिंजो को आकर लगीं। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। आबे के गिरते ही उनके कान से भी खून निकलता हुआ देखा गया। बता दें कि शिंजो आबे का भारत के साथ खास रिश्ता रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उनके ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं। शिंजो आबे ने साल 2020 में स्वास्थ्य कारणों से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के बाद वो दोबारा ठीक होकर के बाहर आए थे। शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त माने जाते हैं। कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे एक दूसरे को याद कर चुके हैं। पिछले साल भारत में शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तभी से शिंजो आबे के साथ उनके संबंध अच्छे बने हुए थे। इसके अलावा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, तो भारत और जापान के रिश्ते नए मुकाम पर पहुंचे। शिंजो आबे भी इस दौरान कई बार भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर गए। शिंजो आबे की बात करें तो 2012 में ही जापान के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वो एक बार खराब स्वास्थ्य के कारण भी इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन 2012 के बाद से लगातार वो अपने पद पर बने हुए थे। बीते कुछ वक्त से उन्हें दो बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। यही कारण है कि उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।